श्रोताओं नमस्कार, 90.4 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर मैं मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम साक्षात्कार में। तो श्रोताओं, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं अपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डॉक्टर डीपी मिश्रा जी से। उनके बारे में हम लोग जानेंगे और अभी आने वाली 14 अक्टूबर को सेमिनार होने वाला है। सेमिनार का विषय है प्राचीन भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी। काफी इंटरेस्टिंग विषय लग रहा है। हम लोग बहुत आभारी हैं कि डॉक्टर डीपी मिश्रा की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उनकी मातृभाषा उड़िया है। मैंने उनको कहा था कि आप चाहें तो इंग्लिश में भी साक्षात्कार दे सकते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदी में ही साक्षात्कार दूंगा। तो आइए हम लोग जानते हैं डॉक्टर डीपी मिश्रा जी के बारे में और उनके सेमिनार के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मदन जी, और मैं सब श्रोताओं के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो हमारा आपसे अनुरोध है कुछ अपने बारे में बताएं। मैं अभी इधर अध्यापक हूं और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बच्चे लोगों को पढ़ाता हूं, और कुछ जो कम्बशन जिसको हम लोग दहन कहते हैं उसके विषय में रिसर्च में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अपने बचपन से लेके अब तक का कुछ विवरण बताएं हमारे श्रोताओं को। एक्चुअली मेरा जो है जन्म हुआ है कटक, जो उड़ीसा के शहर प्राचीन शहर है उसमें मेरा जन्म हुआ था। और उसके बाद हम लोग स्कूल में गए, पढ़ाई किए हैं। जो स्कूल में हम गए हैं वो उसका नाम है पेरीमोन एकेडमी, जो कि ब्रिटिश टाइम पे वो पहला प्राइवेट स्कूल था पूरा उड़ीसा में। और उसमें बहुत क्रांतिकारी लोगों ने मिलके एक स्कूल खोले थे, तो उसमें हमारा पढ़ाई हुआ है। उसके बाद हम जो आजकल प्लस टू कह रहे हैं, तो प्लस टू हम किए हैं रेवेंसा कॉलेज में, जो कि अभी भी नंबर वन कॉलेज है पूरा उड़ीसा में। उसके बाद हम इंजीनियरिंग किए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अभी जो उसको वीर सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी नाम में जाना जाता है। और वो इंजीनियरिंग हम करने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर में है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट भारत में और बल्कि विश्व में माने जाते हैं, उसमें हम एमटेक और पीएचडी किए हैं। डॉक्टर साहब, कुछ अपने परिवार के बारे में भी बताएं। मेरा एक ही बेटा है अभी, जो कि क्लास 12 में पढ़ रहा है, बस इतना ही। और हम लोग एक छोटा परिवार है। और इसके अलावा मेरे जो पास मेरे अभी भी पिताजी और माताजी भी है, जो कि अभी कार्यक्षम है और बहुत बढ़िया स्वास्थ्य उनका सही सलामत है। और इसके अलावा मेरे दो भाई है और तीन बहन है जो कि कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे या हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि आपकी जो रुचि थी, क्या शिक्षण कार्य में आने की थी कि और कोई रुचि आपकी थी? ऐसे देखा जाए तो जब बचपन में मैं था, मेरे दिमाग में बहुत सारे जिसको दर्शन कहते हैं उसके बारे में बहुत अभिलाषा था। और हम लोग जब इंजीनियरिंग किए हैं तो इंजीनियरिंग में हम जाके रिसर्च करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो स्वभाव है वो शिक्षा के आसपास में है। तो इसलिए हम जो मल्टीनेशनल कंपनी में हम काम कर रहे थे पीएचडी करने के बाद बेंगलोर में, बेंगलोर एक बड़ा शहर है और उस टाइम पे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना एक बड़ी चीज़ था और हमको वही पैसा जो ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन हम पैसा को ना देखते हुए हम आईआईटी कानपुर में उसके बाद ज्वाइन किए हैं। अभी तक 1996 से ले तक अभी तक हम आईआईटी कानपुर में पढ़ा रहे हैं और रिसर्च भी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो आजकल कितना पैकेज में काम करते हैं, कितना पैकेज में काम करते हैं ये जो होता है, उसको छोड़ के आपने शिक्षण कार्य में अपनी रुचि दिखाई। ये आईआईटी का सौभाग्य है कि आप जैसा शिक्षक आईआईटी कानपुर को प्राप्त हुआ। डॉक्टर साहब,
कुछ विद्यार्थी जीवन की कोई घटना हम जानना चाहेंगे, कोई घटना आपको याद आती है? ऐसे देखा जाए कि विद्यार्थी जीवन में हमारा तो बहुत सारे चीज रहा है, लेकिन एक चीज हम कहना उचित समझते हैं कि हमारे जो जितना भी टीचर थे वो बहुत बढ़िया हम लोगों का केयर लेते थे। ऐसे कि जब हम लोग समझ नहीं पाते थे, कुछ समस्या है, वो मान लीजिए हम घर पे नहीं आए, स्कूल में नहीं आए, तो वो जाके दो तीन दिन हम नहीं आएंगे तो कुछ टीचर लोग घर में जाके पहुंच जाते थे, कहाँ है और क्यों नहीं आया। तो आजकल ऐसे जो शिक्षक लोगों का जो रवैया है और जो भाव है वो में बहुत कम हुआ है या देखने को नहीं मिलता है। तो ये शिक्षा जगत में एक बड़ी चीज़ जो कि मेरे को भी प्रेरणा दी है कि ऐसे संवेदनशील शिक्षक होना वो जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि जो 14 अक्टूबर को आपका जो सेमिनार हो रहा है, जिसमें अपने माननीय महामहिम गवर्नर साहब श्री राम नायक जी भी आ रहे हैं, तो जरा हमारे श्रोताओं को इस बारे में विस्तार से बताइए अपने कार्यक्रम के बारे में। ये जो विषय है ये है हमारा प्राचीन भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी। इसके बारे में आजकल स्टूडेंट लोगों को बहुत कम बताया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ऐसे शंका होता है कि जो विज्ञान वो किताब में पढ़ते हैं और देखते हैं और सुनते हैं वो सब भारत का नहीं है। तो कभी कभी पूछते हैं कि भारत में विज्ञान था क्या, ये सवाल उनके दिल दिमाग में आता है कभी कभी। तो कुछ स्टूडेंट भी ऐसे कहते हैं भारत में कुछ नहीं था। ये एक्चुअली एक विडम्बना है। तो क्योंकि हमारे जो शिक्षा अभी हम लोग जो दे रहे हैं उसमें हम लोग शामिल नहीं किए हैं कि भारत में एक जो विज्ञान जो कि अति बढ़िया था और उनका जो दर्शन था एक प्रकृति के साथ जुड़ा होके था, तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं दिया गया है। तो इसके कारण अभी जो हम अवधारणाएं दिमाग में स्टूडेंट लोगों के और प्रोफेसर लोगों के और टीचर लोगों के साथ आया है उसको दूरीकरण करने के लिए ये एक प्रयास किया गया है। और एक भी कारण है क्योंकि अभी जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी है वो हमारे धरती को नष्ट कर रहे हैं, पानी को खराब कर दिए, नदी को नाली बना दिए और हमारा जो ज़मीन है उसको बंजर बना दिए। तो उसको निपटने के लिए हमको प्राचीन विज्ञान और टेक्नोलॉजी को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जो समस्या है जो आधुनिक विज्ञान या टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से हुआ है उनको कैसे भरा जाए, कैसे सही किया जाए। तो इसके लिए एक भी प्रयास है कि हम उनको देखें और समझें और जो प्रकृति के साथ मिलके रहने का जो विज्ञान हमारे पास था, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास था, उसको कैसे हम लोग अपना पाएंगे, इसके लिए एक ढांचा प्रस्तुत करने के लिए ये सेमिनार आयोजन किया गया है। तो डॉक्टर साहब, उस दिन हम ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि उस दिन कौन कौन सी हस्तियां आपके सेमिनार में आ रही हैं? ये जो सेमिनार आयोजित किया गया है इसमें बहुत सारे लोग आएंगे और इसमें ज़्यादा ज़्यादा कम से कम 500 लोग आने का संभावना है, क्योंकि उसके ज़्यादा भी आ सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो आसपास में कॉलेज है और IIT के जो छात्र हैं, छात्री हैं और प्रोफेसर लोग उसमें भाग लेंगे। और इसके अलावा हम लोग बहुत सारे एक्सपर्ट को भी बुलाए हैं, वो आके हम लोगों का मार्गदर्शन करें कि प्राचीन भारत में विज्ञान को किस दिशा में अभी देखा जाए और इनका कैसे उपयोग किया जाए। और पहले तो हमारा जो सेमिनार होगा उसमें इनॉग्रेशन श्री राम नायक जी करेंगे, जो कि हमारा अभी गवर्नर है UP का। और इसके अलावा हमारा जो IIT का डायरेक्टर है प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना, वो भी इसमें हमको दर्शन देंगे। और इसके अलावा हमारे जो लेक्चर देंगे उसमें जो पहला लेक्चर मैं ही दूंगा, वो जो विषय रहेगा वाई आर एंशिएंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेवेंट टुडे, क्योंकि आज के जो दौर है अभी क्यों हम लोग प्राचीन भारत में जो विज्ञान था और टेक्नोलॉजी उसको क्यों देखें और कैसे देखें और उनके बारे में हम लोगों के पास क्या क्या उपलब्धियां अभी भी है और उनको कैसे हम लोग अपना पाएंगे, इसके हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत से। और कैसे हम लोग इसको अपना पाएंगे
और हमारा जो समस्या है, जो आज का समाज में चल रहा है, उसको ऊपर कैसे अंकुश लगा पाएंगे, उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास प्रोफेसर वीएन प्रभाकर, जो कि आईआईटी गांधीनगर में अभी प्रोफेसर है और वो आर्कियोलॉजी में पढ़ाते हैं, प्रत्नतत्व विभाग है। तो वो एक्चुअली हमारा जो सभ्यता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में जानते हैं कि वैदिक सभ्यता, लेकिन आजकल जमाने में उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जो कि सिंधु उपत्यका की सभ्यता। तो उनके जो हरप्पन था, उसमें बहुत सारे चीज़ लोगों को मिला है, उनको निकाले हैं लोगों ने, और उसमें पाया गया है कि उस टाइम पे कैसे जो बीड है, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी था, उसमें कैसे लोगों ने उसको बनाए थे। और वो दूसरे देश के, जैसे कि रोम है और इराक है और दूसरे जो देश है, उसमें कैसे वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, तो उसके बारे में वो चीज़ विस्तृत रूप से बताएंगे। और उसके अलावा हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर सुधीरेंद्र शर्मा, जो कि पानी के बारे में अभी बहुत काम कर रहे हैं, और वो आईआईटी दिल्ली से पीएचडी किए थे, और उनके बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, सिर्फ पानी नहीं और पर्यावरण के ऊपर भी वो काम किए हैं। और उनका एक ग्रुप है जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जो सूखी हुई नदी है उनको उज्जीवित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वो बताएंगे कि प्राचीन भारत में पानी के वो कैसे संरक्षण किया जाए और उनका कैसे संभारत है, उनके लिए आज भी कैसे उसको कारगर कर सकते हैं, उसके बारे में वो विस्तृत जानकारी हम लोगों को देंगे। और कैसे यूपी में उनका कैसे लाभ उठाया जाए, इसके लिए भी हम लोग उनके आग्रह करेंगे कि हमारे जो यूपी है और जिसमें पानी की बड़ी समस्या दिखाई दे रहा है आजकल, और उनके कैसे अंकुश लगाया जाए और हमारा जो पानी का समस्या है उनको कैसे हल निकाला जाए, उसके लिए उनको आग्रह करेंगे कि उसमें हमको दिशा और दिग्दशा है। और हमारे जो प्रोफेसर एससी वर्मा है, जो कि बहुत बड़े फिजिसिस्ट है, फिजिक्स में अध्यापक है, और सब लोग बच्चे लोग जानते हैं उनको, जो भी इस आसपास क्षेत्र में, सिर्फ नहीं और पूरा भारत में उनका नाम विदित है। जी जी, उनकी किताब जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बहुत मशहूर है बच्चों में। तो वो एक जो लेक्चर देंगे वो है क्या है कि कैलकुलस, भारत में कैसे कैलकुलस जन्म लिया था और वो कैसे पश्चिम देश में पहुंच के और विकसित हुआ है, और हम लोग उसका फ़ायदा कैसे उठा नहीं पाए थे, अभी कैसे उठा पाएंगे, और आगे जाके हम लोगों को कैसे प्रेरणा मिलेगा स्टूडेंट लोगों को, जो गणित है उसके ऊपर बढ़िया काम किया जाए, क्योंकि हमारे पूर्वज लोगों ने गणित में बहुत माहिर थे, तो उसके ऊपर हमको बताएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे जो स्टूडेंट लोग हैं और प्रोफेसर लोग हैं, मिलके बहुत सारे पेपर वो भी प्रेजेंट करेंगे, और उसमें ज़्यादातर जो पेपर आया हुआ है वो है आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद एक बढ़िया विधा है स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, उनको कैसे पुनरुत्थान किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए, और उसके चर्चे में आजकल का जो रिसर्च है उसमें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनको एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये बढ़िया कारगर चीज़ है। और इसके अलावा जैसे कि टेक्सटाइल है, जैसे कि हम कपड़ा पहनते हैं, वो भारत में बहुत बढ़िया था, उसके लिए भी लेख आया हुआ है हमारे पास। इसके अलावा जैसे कि प्राचीन भारत में मंदिर बनाते थे, उनका जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी चर्चा होगा। और पानी के ऊपर हम, जैसे कि पानी को कैसे संरक्षण किया जाए, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो कि हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है वो है खाना। तो वो अनाज पैदा करने के लिए हम जो सोच रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से खेती, जिसको आजकल हम लोग उसको कहते हैं कि कोई भी पैसा नहीं लगेगा, जीरो बजट खेती, तो उसके ऊपर भी एक लेख लोगों ने दिए हैं, और एक अच्छे चीज़ है, क्योंकि हम लोग जो भी व्यवहार कर रहे हैं अभी अनाज में, अनाज है और वेजिटेबल्स है, तो वो जो चीज़ में केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो हमारा शरीर को ख़राब करता है, मिट्टी को बंजर बना देता है, और हमारा जो जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है और रोग युक्त कर देता है, हमको रोग मुक्त होना चाहिए। तो इसीलिए उनको कैसे हम लोग अपना पाए, जो हम भटक गए थे विकास के नाम पे, अभी कैसे उनको पुनरुद्धार किया जाए,
उसके साथ ग्राम्य जीवन भी जुड़ा हुआ है कि कृषि गाय के बिना नहीं हो सकता है, और इसीलिए हमारे पूर्वज लोग गाय पालन करते थे उनका कृषि करने के लिए। इसके अलावा दूध भी सेवन कर ले इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जैसे कि किसान आत्महत्या कर रहा है तो उसको कम कर सकते हैं, कम नहीं पूरा निकाल भी सकते हैं, कि जो जब जीरो बजट खेती हम कर पाएंगे उसको जैविक कृषि भी के नाम पे हम जानते हैं, और हम लोग पुराने चीज़ करेंगे तो हमको जरूर लाभ मिलेगा। सबसे बड़े रोचक विषय बताया आपने जो कि उस दिन इनके ऊपर चर्चा होने वाली है, और भी कुछ विषय जो आप बताना चाहेंगे? इसके अलावा हमारे पास एक्चुअली जो पहले मूर्ति कला था जो मेटल में बनाते थे वो बहुत बढ़िया मूर्ति कला था। ऐसे माना जाता है कि वो जो मूर्ति कला हमारे पास था सदियों से, वही मूर्ति कला को जो टेक्निक है उसको लास्ट वॉक्स कास्टिंग कहते हैं, उनको वही मेथड में भी हम लोग टर्बाइन का ब्लेड भी बना रहे हैं अभी, और जो कि इंजन में, और जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजन है, गैस टर्बाइन इंजन है, जो पावर प्लांट होता है उसमें भी व्यवहार होता है। तो हमारे पास ये था सदियों से, लेकिन हम लोग उसको ये जो टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल नहीं किए थे। उसका भी कारण है क्यों नहीं किए थे, क्योंकि धरती को हम नष्ट नहीं करना चाहते थे और इसीलिए हम लोगों ने नहीं किए थे। इसके अलावा भी जो हमारे पास रसायन विज्ञान के बारे में बहुत सारे चीज़ प्राचीन ग्रंथ में हमको देखना मिलता है। मेरे को याद आ रहा है कि जब हमारा देश पराधीन था और स्वाधीनता के लिए लड़ रहा था उस टाइम पे एक किताब पीसी राय ने लिखे थे, उसका नाम है हिंदू केमिस्ट्री। तो उस किताब में बहुत सारे चीज़ दिए हैं, और वो केमिस्ट्री जो प्रकृति के साथ मिलके था रासायन चीज़, क्योंकि रासायन के बिना तो जीवन अधूरा है और जीवन का निर्वाह करना संभव नहीं है, लेकिन वो प्रकृति विरोधी नहीं था। तो उसके जो चीज़ के एक लेख आया है उसके लिए लोग ये करेंगे। इसके अलावा कि हमारे पास बहुत सारे चीज़ था, जैसे कि मंदिर बनाना, घर बनाना और स्तूप बनाना, ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास सब था। तो उनके बारे में एक जो प्राचीन भारत में कैसे बनाते था और कैसे तालाब बनाते थे, क्योंकि तालाब जीवन की एक जो मानव जीवन है उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके बारे में भी एक लेख आया हुआ है, वो डिस्कशन होगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक उभर के आ रहा है जो कि हमारे प्राचीन भारत में था, अभी भी उनको हम अपना सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये सब चर्चाओं के अलावा कोई विशेष कार्यक्रम भी उस दिन होने वाला है क्या? हमारा एक जो है कि इसको स्थापित करने के लिए कि प्राचीन भारत में विज्ञान और टेक्नोलॉजी था, हम लोग कुछ चीज़ को चयन किए हैं उनके लिए, एक किताब जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका विमोचन करेंगे, और जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको आग्रह करेंगे कि वो ले उसको पढ़े समझे और उनको आगे बढ़ाए। तो ये एक हमारा कार्यक्रम है, मैं आशा करता हूँ कि ये लोगों को एक नई दिशा देगा और ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी है उनको लिए एक प्रेरणा की उस जो हो सकता है, ये हमारा धारणा है। डॉक्टर साहब, और कुछ हमारे श्रोताओं से कहना चाहेंगे आप? इस माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ये जो हमारा सेमिनार है वो IIT के मेन ऑडिटोरियम में 14 तारीख को हो रहा है। मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूँ कि आप लोग आए इसमें और इसमें हिस्सा ले और इसमें कुछ सीख आपको मिले, और जो कि आप जीवन में और हमारे समाज का कल्याण करने के लिए उसको व्यवहार करें। और मैं कहूँगा कि इससे हमारा समाज का मंगल होगा, हम सब का मंगल होगा, इस आशा के साथ मैं रहता हूँ। नमस्कार। बहुत सुंदर विषय निकाले आपने, और आपने जो बोला कि सभी के मंगल के लिए आप प्रयत्नशील हैं, बहुत सुंदर। और विशेष बात ये डॉक्टर साहब कि आपकी मातृभाषा हिंदी न होते हुए भी आपने हिंदी में इतना अच्छा
इंटरव्यू दिया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और आपके इस कार्यक्रम को यशस्वी होने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।